और जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बिल्कुल पास देखिए कितनी भयंकर आग है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप लोग हमें देख नहीं पाओगे क्योंकि रात का टाइम है और पीछे हर साल की तरह उत्तराखंड के जंगल धो धो करके जल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें लोग सरकार को दोष देते हैं, सरकार कहती है कि लोग खुद आग न लगाएं। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन इसका असली दोषी है, और आग इतनी भयंकर है कि उसको बुझा भी नहीं सकते। आप चाह के भी, आप 1, 2, 10, 20 लोग आए तब भी नहीं बुझा सकते। और आप देखिए कितनी तेज़ी से जल रही है, और पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखिए, रात का टाइम 8 बज रहे हैं और हर साल आग लगती है जंगलों में। लोगों को इसका भगवान जाने क्या फ़ायदा मिलता है, मेरे को तो जहाँ तक दिखता है नुकसान नुकसान होता है। जंगल जल जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, छोटे छोटे जानवर, सारे बर्ड्स, चिड़िया जितनी भी है, उनके घोंसले, उनके बच्चे। अगर किसी भी भाई को, किसी आदमी को, किसी भी महानुभाव को लगता है कि इसका कोई फ़ायदा है जंगल की आग का, वो कमेंट करके बताएं कि क्या फ़ायदा होता है इसका हर साल आग लगाने का। और इतनी भयंकर आग है, आप देखिए, कोई चाह के भी इसे कैसे बुझा सकते हैं। और ये गांव के इतने समीप आ गई है, सामने पे देखिए वो एक स्ट्रीट लाइट है जो कि रात को अगर कोई जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है उसके लिए, उसके बिल्कुल पास तक आग आ चुकी है। ये देखिए, और जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बिल्कुल पास देखिए कितनी भयंकर आग है। देखिए पूरी घास है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है चीड़ के पेड़, क्योंकि उसकी पत्तियां जो होती हैं नुकीली होती हैं, किसी घास के काम नहीं आती, लेकिन वो आग को बहुत तेज़ी से फैलाती हैं। देखिए आग कितने पास में आ रहे, पूरा जंगल अभी जहाँ जहाँ पे जल गया पूरा ब्लैक हो चुका है। ये देखिए सामने जो दूसरी साइड है उसकी जंगल की, उस तक भी आग पहुँच चुकी है, आंखें बिल्कुल बंद हो रही है धुएं से। और ये देखिए गांव के कितने नज़दीक है, यहाँ पे आग है, और ये सामने पे देखिए गांव है हमारा जहाँ पे लाइटिंग है, इतने पास में आग जल रही है। कितना रिस्की है, घरों के बिल्कुल पास तक आ चुकी है आग।